सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी. बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ट्रेलर है. और फिल्म में हमने देखा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है. इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ट्रेंड है या एक हवा है या एक कहें कि एक बहुत ही पहल चल पड़ी है. बहुत अलग अलग तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट को परिभाषित करते हैं. आप खुद एक सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती है. कुछ लड़कियों को लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसे बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़, यू नो दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट, तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं. एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड. तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है. यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल. आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है. मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है. अगर यू नो नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है. दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड. अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं तो कोई फिल्म, कोई कोट, कोई भी आपको कोर्स एम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है. सो आई ऑल आई वॉन्ट टू टेल द वुमेन दैट लुक इन टू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं. आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वहीं लूज हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं. तो आई जस्ट फील यू आर एज एम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर.